तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले माइंड में हमारे में क्वेश्चन आता है कि क्या पहचान होती है, कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है प्लस टाइम आता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को लेकर बात करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है। अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर बोला आपसे कि इसकी पहचान क्या है। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम आता है, उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके सीधे स्ट्रक्चर्स या रूल्स को जान लेते हैं। जो रूल्स हैं, रूल्स या फिर स्ट्रक्चर्स, पहला क्या होता है, पहला आपका अफर्मेटिव, सकारात्मक, ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की सीधे लिख लेते हैं फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है पहले हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें आता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही पांच में देख लो, WH word में क्या आता है, WH word प्लस has oblique have प्लस subject प्लस been प्लस main verb की fourth form प्लस since oblique for प्लस object question mark, ठीक। ऐसे ही छठवा देख लेते हैं, WH word प्लस नेगेटिव। तो इसमें हो जाएगा, आप सबसे पहले आएगा WH word, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बात ये आती है कि सर सिंस या फॉर का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो यहाँ आपको समझा देता हूँ मैं सिंस फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो पहले आपको बता दूँ थोड़ा सा
कि सब्जेक्ट की दो कैटेगरी समझी, एक तो सिंगुलर और दूसरी है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पर सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट और नेम के साथ आपको लगाना है क्या, हैज बीन, और मैन वर्ब की कौन सी, फोर्थ फॉर्म। क्लियर। ऐसे ही आई वी यू दे के साथ आपको लगाना है बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक, ये चीज क्लियर है। बात करते हैं सिंस या फॉर की, यहां कर लेते हैं। सिंस का यूज, अगर हम सिंस की बात करते हैं, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको कहते हैं निश्चित समय के लिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है फॉर का यूज। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2011, सिंस 4 o'clock, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन भी समझी होगी इसकी। ठीक है, यदि आपको ध्यान है बचपन तो हम एक एप्लीकेशन लिखा करते थे, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लेकिन हमें उस सिंस का आज तक पता नहीं चला। तो सिंस का यूज किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आइए बात करते हैं फॉर की, फॉर का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम को लेकर, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है, इसके एग्जांपल लेते हैं, फॉर 4 hours, फॉर अ शॉर्ट टाइम, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ मोमेंट, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है रहा है आया है और टाइम आया है, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो यहाँ पर बनाएंगे 6 बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। ही हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो सेंस आएगा या फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए किसका यूज किया, फॉर 2 आवर्स,
2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। क्लियर हुआ? ऐसे इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन, नो ही हैज नॉट, बीच में आ जाएगा, बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि ये बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर? ओके, तीसरा बनाते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या देगा? हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा आई प्लस एन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे ही बना लेंगे हम पांचवा, वाई हैज ही बीन नॉट तो आएगा नहीं, नेक्स्ट वाले आएगा, वाई हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एस तैयार हो गया। ठीक है, अब एक और बचा है, लास्ट वाला, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हम एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस तैयार करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस यानी कि एक टेंस के 6 सेंटेंस तैयार करते हैं। ठीक, तो आपको भली बात ही समझ में आया होगा ये चीज़। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकी। आइए बच्चों सीखते हैं ट्रांसलेशन। तो पहला ट्रांसलेशन क्या है, देखो, श्याम सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? श्याम, तो श्याम लिख लिया पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है वो? अ बुक। कब से पढ़ रहा है? देखो सुबह से, सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए क्या लगा लेंगे? सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है क्या वे सोमवार से पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही पड़ेगी, हैव। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? दे, प्लूरल है इसलिए हैव लगाया, फिर क्या लगाएंगे? बीन। फिर क्या कर रहे हैं वे? पतंग उड़ा रहे हैं, हैव दे बीन फ्लाइंग, फ्लाइंग ए काइट। अब कब से उड़ा रहे हैं? सोमवार। अब बताओ डेफिनेट है इनडेफिनेट है? डेफिनेट है और पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे? सिंस मंडे। क्लियर हुआ? और यह लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखेंगे, सोनू 4 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर सोनू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सोनू सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है वो? एक पत्र, ए लेटर। कब से लिख रहा है? 4 घंटे। कौन से 4 घंटे हमें क्या पता? तो पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फोर आवर्स। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट देखेंगे, रानी 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों बोल रही है, तो क्यों बीच में आ रहा है? तो पहले वाई को लेंगे, वाई, फिर क्या लेंगे? हैज, फिर सब्जेक्ट लेंगे रानी, फिर बीन, बोलने की क्या होती है? स्पीकिंग, क्या बोल रही है वो? इंग्लिश। टाइम क्या दे रखा है? 2 घंटे। कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो फॉर 2 आवर्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम।
क्वेश्चन मार्क, ये भी क्लियर हुआ आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, रवि 2010 से खेतों की जुताई कर रहा है, तो यहां पर रवि सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, हैज बीन आ जाएगा। जुताई करने की क्या होती है? प्लोइंग। किसकी जुताई कर रहा है? खेतों की। फील्ड्स कब से कर रहा है? 2010, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2010। क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप। क्लियर हुई ये वाली बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या मोहित मंगलवार से दिल्ली नहीं जा रहा है, तो क्या आ रहा है? तो पहले क्या लगाएंगे इसमें? पहले लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो क्या जाएगा? हैज, फिर मोहित। ठीक है, हैज मोहित, फिर क्या लगा लेंगे इसमें? नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब क्या होगी? गोइंग। कहाँ जा रहा है वो? गोइंग टू दिल्ली। कब से? कब से नहीं जा रहा है? मंगलवार से, तो क्या आ जाएगा? सिंस ट्यूसडे। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। मम्मी कल रात से खाना क्यों नहीं पका रही है? हमें क्या पता क्यों नहीं पका रही भैया, हैं, नाराज हो गई होंगी। देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पर मम्मी कल रात से खाना क्यों नहीं पका रही, तो क्योंकि पहले क्या जाएगी? वाय, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा? मम्मी। वाय हैज द मदर, नहीं की नॉट, फिर क्या लगा लेगी? बीन। पकाने की क्या होती है? कुकिंग। क्या पका रही हैं वो? खाना, फूड। कल रात से पता है ना, कल रात से, तो क्या लगाएंगे? सिंस लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है। क्या रजनी 2 घंटे से बात कर रही है? हमें क्या पता 2 घंटे से कर रही है कि 3 घंटे से, कि चुप की पड़ी है वो। देखो इधर जान लेते हैं, क्या क्या आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? हैस, फिर क्या लगा लेंगे? रजनी, फिर क्या लगाएंगे? बीन। टॉकिंग फॉर 2 hours, क्लियर हुआ? यहाँ पर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट क्या, क्या मोनू दोपहर से बच्चों को पढ़ा रहा है? हमें क्या पता दोपहर से पढ़ा रहा है कि शाम से पढ़ा रहा है, और सेंटेंस बनाने से मतलब है, तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? हैज लगा लेंगे, हैज के बाद में क्या लगा लेंगे? मोनू, यानी कि सब्जेक्ट, और मोनू के बाद में क्या लगा लेंगे? बीन। पढ़ाने की क्या होती है? टीचिंग। टीचिंग किसको पढ़ा रहा है वो? बच्चों को, टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, इनको पढ़ाने का एक ही मकसद है, आप उस लैंग्वेज को समझ पाएं जिसको एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अगर आप उस लैंग्वेज तक रीच कर पाते हैं अच्छे से, तो आप चीज़ों को भलीभांति समझेंगे। आगे यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करेंगे, तो आप टेंस से होकर गुजरोगे। तो अगर मैं एक लैंग्वेज आपके सामने फ्रेम करता हूँ, कोई सेंटेंस रखता हूँ, तो उसका प्रॉपर मीनिंग आप जान पा रहे होंगे। हो सकता है कुछ तो समझ में आएगा आपको। ये तो पता चलेगा कि हैव बीन हैज बीन कहाँ लगता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि हैव बीन कहाँ लगता है, सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। इसी वजह से हम टेंस एक बार गो थ्रू हो रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके डीप जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ब्लूप्रिंट की तरह तैयार करा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। क्लियर हो रहा है? ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और एक बार ज़रूर निखार आता है स्टडी में। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं आगे की ओर।